नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ विकास टेकरे। कई बार समस्याओं के बारे में हमें जब पता लगता है तो हम इतना ज़्यादा उनके बारे में सोच लेते हैं कि हम राय कभी पहाड़ बना लेते हैं। जैसे ही जब आपने पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग या फिर टूरिज्म नाम से एक क्वेश्चन पेपर देखा होगा और उसकी एक यूनिट में पर्यटन एवं पर्यावरण देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि ना जाने कौन सा पहाड़ है ये और कहाँ से इसे सर्च करें और कैसे इसे पढ़ें। लेकिन आपको बता दूं कि ये बहुत ही इजी है और आप चाहे तो मन से भी बिना इस वीडियो को देखे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी रुक जाइए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर से आप और इजी तरीके से इसे समझ लेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि पर्यटन एवं पर्यावरण का क्या मतलब हो सकता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन को महत्व देना और पर्यटन को बढ़ावा देना, यहाँ पर पर्यटन का भी अर्थ निकल जाता है और पर्यावरण का भी अर्थ यहाँ पर निकल जाता है। आज पूरे विश्व के सामने पर्यावरण संरक्षण और उसकी सुरक्षा एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। यह पूरे पैराग्राफ में ये वही बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन हमें काम की चीज़ें बस देखनी है। पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है और इन प्रदूषणों के चलते बहुत सारे जीवधारियों, चाहे वो मानव हो या फिर ऐसी बहुत सारी जीवों की प्रजातियां, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और इसका रीज़न है पर्यावरण प्रदूषण। बहुत सारे जीवधारियों के आँख, कान, नाक, फेफड़े, त्वचा, मस्तिष्क आदि सभी को जहाँ प्रभावित कर रहा है, वहीं वनस्पति जगत में पेड़ पौधे, घास फूस, वायुमंडल, शीत ताप को भी ये पर्यावरण प्रदूषण प्रभावित कर रहा है। और आजकल तो एक नए समय, एक नए प्रदूषण का भी दौर निकल गया है, और वो है प्रकाश प्रदूषण। और प्रकाश प्रदूषण हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं, तो जब रातों में बहुत चमचमाती लाइट शुरू हो रही है, तो इन लाइटों के कारण प्रकाश बहुत ज़्यादा होने के कारण जो पेड़ पौधे हैं वो अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस बहुत इजी नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते वो आराम नहीं कर पाते, सो नहीं पाते, जिसके चलते उन्हें प्रॉब्लम होती है। और ये सच बात है, मजाक में मत लेना कि प्रकाश प्रदूषण से जब सीधे लाइट आता है, किसी पेड़ पर पड़ता है, तो उस पेड़ को सोने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब दिन भर में धूप तपती है तो अपनी एनर्जी ले लेता है और रात में अंधेरे में बिल्कुल शांत पेड़ रहता है। यही कारण है कि रात में कहा जाता है कि भैया पेड़ को मत छुओ, पेड़ को हिलाओ मत, ये अपशगुन है। तो हमारी जो परंपराएं हैं वो साइंस से बहुत आगे रही हैं, भारतीय संस्कृति की परंपराएं। यही कारण है कि रात में पेड़ को छूने से मना किया जाता है। फिर भी मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया, आइए टॉपिक में वापस आते हैं। तो जैसे हमने ऊपर पहले पैराग्राफ में देखा कि पर्यावरण क्या है और आज के समय में पर्यावरण का कैसे सत्यानाश हो रहा है, दूसरे पैरा में हमने देखा कि कैसे पर्यावरण प्रदूषण ना केवल मानव जीवन को बल्कि प्राकृतिक जीवन को और जो पर्यावरणीय गतिविधियां हैं उन्हें भी प्रभावित कर रहा है। इसके बाद में देखिए पर्यटन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप कहीं घूमने जाएंगे तो आप इतने समझदार तो है नहीं कि आप अपने कुरकुरे के पैकेट जेब में रख कर जाएँ, अपने पानी की बोतल को वापस लेकर आ जाएँ। आप में से बहुत सारे ही ऐसे होंगे जो कहीं भी अगर जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी फैला कर आ जाते हैं, कचरा फेंक देते हैं, जहाँ देखो वहाँ नारियल फोड़ेंगे तो नारियल की बूंद कहीं पड़ी रहेगी, अगरबत्ती चढ़ाएंगे तो पूरी अगरबत्ती चढ़ा तो देंगे लेकिन अगरबत्ती का पैकेट वहीं फेंक देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी धर्म के हो, आप न्यूट्रल हो, कैसे भी हो, आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आप में से बहुत सारे लोग उस टूरिस्ट प्लेस में गंदगी फैला कर ज़रूर आते हैं। तो पर्यटन पर्यावरण को नेगेटिव रूप में प्रभावित बहुत बड़ी मात्रा में करता है और ये बहुत बड़ा दोष हमें देखने को मिलता है। और साथ ही ना केवल पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है बल्कि एक पर्यटक वनस्पति और वन्य जीवों को भी प्रभावित करता है। आपके घर में आपकी इजाज़त के बगैर कोई व्यक्ति आ जाता है और रहने लगता है, जैसे कि शैतान मूवी में होता है, तो कैसे आपके परिवार में हलचल होगी और कैसे आपका जीवन प्रभावित होगा ये आपको पता होगा। उसी तरह से जब आप किसी जंगल में जाते हैं जानवरों के घर में घूमने के लिए, तो उनका जीवन भी प्रभावित होता होगा। आपकी गाड़ी की हॉर्न से, आपके चिलचिलाहट से, आपके गानों से, आपकी गतिविधियों से उन्हें भी प्रभावित होता होगा।
तो यहाँ पर हम ये देखे हैं कि किस तरह से ये प्रभावित हो रहा है। विश्व में आज में से कुछ वर्ष पहले हिप्पी समुदाय का उदय हुआ था। वे लोग जो धर्म की चकाचौंध से उभर कर मानसिक यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए औद्योगिक वातावरण को छोड़कर शांत प्राकृतिक सुविधा युक्त देशों में चले जाते थे और वहाँ स्थान स्थान पर घूमकर अपने मानसिक तनाव, व्यस्त जीवन की कटुता, शरीर की अकड़न आदि को दूर करने का प्रयास करते थे। ऐसे सैलानी बड़ी संख्या में प्राकृतिक गोद में बसे स्थानों, धार्मिक नगरी, एकांत जगहों पर आज समूह में देखे जाते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि बनारस की गलियों और घाटों में हम चीज़ें छोड़ छोड़ कर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि भैया आप बहुत अच्छा खुद से पढ़ सकते हैं, तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन फ़ोटोज़ का, या फिर आप वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए। तो बनारस की जो गलियां हैं, वहां पर आपको लोग मंदिरों में जाते हुए देखने को मिलेंगे। बनारसी साड़ियां, हल्के आसन, खुले और स्थानीय वेशभूषा में अपने ढाल कर आनंद लेते दिखते हैं। चप्पल, हल्की धोती, खुली कमीज, कम से कम सामान के साथ इनका भोजन भी स्थानीय कंदमूल अधिक होता है। यानी कि आजकल पर्यटन के प्रति लोगों का रुझान इतना हो गया है कि अगर वे कहीं पर्यटन स्थल या फिर सांस्कृतिक महत्व के स्थल पर जाते हैं, तो वे वैसी ही संस्कृति में अपने को ढाल कर वहाँ के मज़े लूटने लगते हैं। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है, पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण विकास के क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो आपको ही सोचना है। आप कहीं पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं और आपको उस स्थल का विकास करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप जो लॉलीपॉप की पन्नी फेंक रहे हैं, जो आप कचरा फेंक रहे हैं, वो आप फेंकना बंद कर दीजिए, यानी कि सफाई रखिए। साथ ही आप गंदगी सुधार सकते हैं, उस क्षेत्र को शांत क्षेत्र बना सकते हैं। वहाँ पर जो शोरगुल हो रहा है, गाड़ियों की आवाज़ है, कोई म्यूजिक सिस्टम लगा कर आ गया गाड़ी में, कोई ट्रैक्टर लेके आ गया, कोई कुछ लेकर आ गया, तो इस तरह से आप एक रूल बनाकर, कि जैसे मैं जब पचमढ़ी गया था तो मैंने ये देखा कि वहाँ के जैसे धूपगढ़ हुआ कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर यह है कि वहाँ निजी वाहन नहीं जा सकते हैं और आप खुद से नहीं जा सकते। आपको वहाँ जाने के लिए जिप्सी करनी पड़ेगी और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो रिजर्व एरिया है। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें रोजगार भी मिला, साथ ही उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि उन्हें वन्य जीवों को प्रभावित नहीं करना है और किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं करना है। तो ये एक फायदा हुआ। तो इसी तरह से आसपास शांति बनाकर भी उस क्षेत्र में पर्यावरणीय गतिविधियों को बनाए रखा जा सकता है। विदेशी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, क्योंकि वहाँ पर पर्यटन आएंगे तो वहाँ पर हॉस्पिटल का या फिर किसी डॉक्टर के शिविर का होना बहुत ज़रूरी है। उद्योगों का दूर लगना पर्यटन स्थलों से, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करना ताकि व्यवस्थाएं बनाई जा सके, कानून बनाना, क्षेत्र का विस्तार करना, प्राकृतिक वातावरण तैयार करना, वहाँ पर अच्छे अच्छे बाग बगीचे बनाए जा सकते हैं, वहाँ कुछ पर्यटन स्थलीय स्थल कृत्रिम रूप से निर्मित किए जा सकते हैं, अच्छे सारे वन जंगलों का विकास किया जा सकता है ताकि वहाँ पर हो। तो अब किसी पर्यटन क्षेत्र का विकास करने से क्या लाभ होगा? पहला तो लोग वहाँ पर आएंगे, जब ये आएंगे तो हाथ में कटोरे लेकर तो नहीं आएंगे, स्वाभाविक है कि वे पैसे लेकर आएंगे। जब वे पैसे लेकर आएंगे तो वे खर्च करेंगे होटलों में, वे खर्च करेंगे वाहनों में, वे खर्च करेंगे स्थानीय मार्केट में, वे खर्च करेंगे पर्यटन शुल्क देने में। तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी दूर होगी, विदेशी पर्यटन आएंगे तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, साथ ही एक सिस्टम बनेगा और वहाँ पर सफाई व्यवस्था सुधरेगी, उस क्षेत्र का संतुलित विकास होगा, चरित्र लोगों के चरित्र का विकास होगा, क्योंकि वे अलग अलग संस्कृति के लोगों से मेल मिलाप उनका बना रहेगा, पशु पक्षियों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि वहाँ का पर्यावरण का स्तर सुधरेगा और बहुत सारे वन और जंगलों का विकास होगा, सुदूर उद्योगों का विकास होगा, यानी कि उन क्षेत्रों से बहुत दूर विकास होगा उद्योग का, जिसके चलते पर्यटन का सही रूप में विकास हो पाएगा। बेरोजगारी दूर होगी, विदेशी मुद्रा आएगी, बाल अपराध यौन अपराध में कमी आएगी, क्योंकि वो एक क्षेत्र ऐसा हो जाएगा जो हाईलाइट हो जाएगा, और वहाँ पर पुलिस व्यवस्था होगी, वहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था होगी, तो इससे वहाँ पर के लोगों के साथ आपराधिक गतिविधियों में कमी आ सकती है, प्राकृतिक वातावरण में सुधार होगा। तो
तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, आप खुद सोच कर भी अपने हिसाब से लिख सकते थे। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद के जो अगले वीडियोज़ हैं हम उनमें कुछ चीज़ें समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में एक चीज़ और समझ लीजिए, वो है कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ क्या होती है? कठिनाइयाँ देख लीजिए कि पर्यटन स्थलों के लिए क्या कठिनाइयाँ हैं। तो पर्यटकों की संख्या बढ़ाना एक बड़ी कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर शुद्ध पर्यावरण के कारण पर्यटकों का आकर्षण बढ़ता है। आज कई देशों में पर्यटकों की संख्या घटती जा रही है। उदाहरण के तौर पर तेल निर्यातक देश इसका कारण यह है कि वह तेल के उद्योग के कारण गंदगी और प्रदूषण का भयंकर साम्राज्य बन चुका है। यानी कि पर्यटकों को लगातार बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। दूसरा बिंदु आता है स्वच्छ जल एवं वातावरण का निर्माण करना, क्योंकि अगर आप स्वच्छ जल और वातावरण का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो कोई आपके क्षेत्र में घूमने आएगा ही क्यों। भारत में बिहार के जसीडीह स्टेशन से जो मार्ग बैद्यनाथ धाम की ओर जाता है, उस थोड़ी दूर तक इतना स्वच्छ और शांत वातावरण है कि उसे स्वच्छ क्षेत्र की संख्या दी गई है। वहाँ उद्योगपतियों के भव्य आवास बने हैं जिनमें केवल वे स्वास्थ्य लाभ के लिए वर्ष में एक बार आते हैं। और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होने के कारण, सड़कें बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि स्वच्छ एवं शांत वातावरण हो तो फिर पचमढ़ी जैसा छोटा सा क्षेत्र भी एक हिल स्टेशन के रूप में विख्यात हो जाता है। शुद्ध पर्यावरण का निर्माण करना, क्योंकि कहा जाता है कि ना 100 दवा एक हवा, यानी कि अगर पर्यावरण का बहुत ज़्यादा स्तर ठीक है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एग्जाम्पल के लिए आज से 10-15 साल पहले हमारे शहर छिंदवाड़ा में एक टीबी सेंटोरिया हॉस्पिटल था, टीबी का। और वो हॉस्पिटल ऐसा था कि उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत ऊंचे ऊंचे बरगद के पेड़ लगे हुए थे। तो जबलपुर और आसपास के शहरों से लोग तक वहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते थे, क्योंकि इलाज के दौरान उन्हें वहीं रुकना होता था। और वहाँ का वातावरण इतना ज़्यादा था, इतनी हरियाली थी कि वहाँ पर लोग आकर और ठीक हो ही जाते थे। जैसे कि मसूरी के जो टीबी सेंटोरिया था वहाँ पर भी लोग ठीक हो जाते थे। हालांकि अभी तो वहाँ पर पेड़ों को काट के मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कई सारी बीमारियाँ केवल प्रकृति के साथ रहने से ही ठीक हो जाती है। जैसे कुमार गंधर्व का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे जो कि देवास के क्षेत्र में आकर इसीलिए बस गए क्योंकि उन्हें शारीरिक से जुड़ी कोई समस्या थी, और उस क्षेत्र में आकर एक उन्हें ऐसी शांत अनुभूति हुई प्रकृति की गोद में आकर कि उन्होंने कई सारे संगीतों की रचना की, एल्बम्स निकाले और महान संगीतज्ञ बन गए। तो शुद्ध पर्यावरण भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद में देखिए मौसम अनुकूल यात्राएं करना। तो यहाँ पर पर्यटन, जब पर्यटन का विकास होता है पर्यटन को पर्यावरण को ध्यान में रखकर, तो पर्यटक मौसम के अनुकूल यात्राएं करने लगते हैं। जैसे कि गर्मी के समय में जंगली क्षेत्रों में पर्यावरण से जुड़े पर्यटन स्थलों पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इसके बाद में स्वास्थ्यवर्धक स्थलों का चयन करना चाहते हैं, इसमें पर्यावरण का महत्व आता है। सुरम्य एवं एकांत स्थल का चयन करना चाहते हैं, इसमें भी पर्यावरण का महत्व आता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति इसमें होती है, स्वाभाविक सी बात है, पर्यटन जब बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तो होगी ही। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर पर्यटन और पर्यावरण दोनों के यहाँ पर लिंक करने की वो बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने बताए हैं कि पहले के चैप्टर में उन्होंने पर्यटन को अच्छे से समझाए हैं। इस चैप्टर में उन्होंने क्या किया कि पहले तो बताया कि पर्यावरण को वर्तमान समय में कितना खतरा हो रहा है। दूसरे बिंदु में उन्होंने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण और उससे जुड़ी चुनौतियाँ। तीसरे पैरा में उन्होंने बताया है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। फिर उन्होंने बताया है कि पर्यावरण का विकास कैसे किया जाए कि पर्यटन बढ़े। फिर उसने बताया है कि पर्यटन से जुड़े जो पर्यावरण से जुड़ा पर्यटन है उसको कनेक्ट करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, और इन चुनौतियों को दूर करके हम पर्यावरण को एक अच्छे पर्यटन के रूप में स्थापित कर सकते हैं।
क्योंकि आजकल लोग भव्य इमारतों को देखने जाने से ज़्यादा किसी पर्यावरणीय क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं, चाहे वो मसूरी शिमला हो, कश्मीर हो, पचमढ़ी हो या फिर अलग अलग क्षेत्र हो जहाँ पर पर्यावरण की सुरमई घाटियाँ और बहुत सारे प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हालांकि यहाँ पर मैंने लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा पढ़ता तो ये 15 मिनट का वीडियो 45 मिनट का वीडियो बन सकता था, और 45 मिनट आपको लगता कि हमने सीखा क्या है। इसीलिए मैंने कोशिश किया कि मैं आपको ब्रीफ में चीज़ें बहुत आसानी से समझाते चलूँ। अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आई हैं, तो आप हर पेज का स्क्रीनशॉट लेकर खुद से पढ़ सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कभी हार मत मानिए, बीते कल से सबक लीजिए, आज के लिए जिए और आने वाले कल के लिए सपने बुनिए। आप सफल होंगे ऐसी मैं कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।